कनेक्शन है, उसी लार्ज इंटेस्टाइन से फूड सर्कुलेट होके बेसिकली इट एग्जिस्ट। ये लार्ज इंटेस्टाइन पे ज्यादा करके प्रॉब्लम नहीं होता है, इट इज रिलेटिवली ओके। मतलब जैसे यंग था, जैसे आप पैदा हुए, व्हाइल यू डाई ऑल्सो इट रिमेन्स रिलेटिवली अनचेंज्ड। उसमें एक ही चेंज होता है कि उसकी थोड़ी सी जो इलास्टिसिटी की जो फैक्टर होती है वो कम होती है, साइज में कोई कमी नहीं होती है, इफेक्टिविटी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वल। लिवर और आपके जो पैंक्रियास, ये भी जीआई सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इनमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है जैसे आप एज करते हैं। दैट इज आप अगर हैवी डाइट भी खाओ विद एज, मतलब रिच डाइट, वेरी हैवी स्पाइसी डाइट और समथिंग लाइक दैट, आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज लिवर में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो जरूरी है, बाकी पैंक्रियास में भी जो एंजाइम्स हैं जो जरूरी है, गॉल ब्लैडर में जो एंजाइम्स है जरूरी है जो फैट को ब्रेक डाउन करेगी, उनमें कोई कमी नहीं होती है। There is no shortage of the enzymes of liver, pancreas and gallbladder in digestion. Stomach में कम होता है, because वो induce कर रहे हैं, आप लोग खुद कम कर रहे हो, पैन खा खा के, but liver के लिए कम करने के लिए हम लोग कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि your digestive system is relatively okay, अगर आप लोग थोड़ा सा अपने आप को एक plant वे से सोचे और अपना सिस्टम को भी समझे कि why it is getting weak और क्यों weak हो रहा और हम कहाँ weak कर रहे हैं। तो this is the problem, जो मैंने बताया from mouth to here what is the problem. Now constipation, I'll just discuss the reasons for that. Now we come to the reason for constipation. I told you the main reason for constipation is your khane peene mein diet agar le rahe hain aap. Khas karke I'll talk to you people. Aap logon ke reason ki nahi baat kar raha hu. So I'll not go out of for the young people. In your case, sedentary lifestyle, post retirement, aapka life is definitely much slower than what it was before. That's why calorie intake aapka jo hota hai, wo shayad utna nahi hota hai ya zyada hota hai. So there is some mismatch between intake and your burning out. First thing is that. Second problem which happens in the old age, as I have told you, is your heavy dose of medication. Ye bahut zaruri hai. This is a very important area to concentrate on. Heavy dose of medicines, what are the medicines which cause the problem? Kya kya medicines hote hain jo problem create kar sakte hain aapko? Sabse pehle medicines hote hain ki aap jo BP ke medicines lete hain. I will not name any medicine because aapko lagega sir mere ko change kar do medicine. No. BP medicine jo aap lete hain, kafi BP medicines lete hain, uske wajah se aapko problems hote hain. There are few classes of medicine. टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। सेकेंड, हड्डियों के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हड्डी पेशेंट को हड्डियों पर रखे हैं, ऑन्कोट्रेक्स, मिथोट्रेक्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो ये सब चीजें जो है ये काफी गैस्ट्रिक लाइनिंग जो होती है ना, पेट की लाइनिंग को काफी उसको कहते हैं कम कर देते हैं, एट्रोफी कर देते हैं। मतलब लाइनिंग जो है वो बहुत जरूरी है, मूवमेंट्स के लिए भी जरूरी है, एंड दे हैव सम डाइजेस्टिव जूसेस आल्सो। वो लाइनिंग को जब बंद हो जाता है तो आपका पेट जो है ब्लैंड, यानी कि विदाउट एनी लाइनिंग, विदाउट एनी जूसेस, दैट इज बैड। थोड़े और मेडिसिन हैं, ओके, जैसे मेटफॉर्मिन, आई थिंक ग्लाइसिफेज बोल के शुगर पेशेंट सभी लेते हैं, उसके भी काफी साइड इफेक्ट्स हैं कि लंबे टाइम तक लेना, उससे वजह से आपको ब्लोटिंग, पेट में जो इमीडिएटली खाने के बाद जो ब्लोटिंग सेंसेशन होता है, इनडाइजेशन, ये मेटफॉर्मिन से वजह से होता है। ये सब चीजें हैं, वी कैनॉट अवॉइड इट, हम ये नहीं अवॉइड कर सकते कि आपको एसिडिटी ना हो उससे मेटफॉर्मिन ना दे, वी कैनॉट अवॉइड इट, वो तो देना ही है। आपको समझा रहा हूँ कि थोड़े से दवाइयां हैं जो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके इंडाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल टॉक, इस पे बहुत जरूरी है कि हर बार पेशेंट कहते हैं पैन दो पैन दो पैन दो पैन दो, वी विल डिस्करेज देम टू टेक पैन, बिकॉज योर एसिड इज नेसेसरी, जैसे मैंने कहा, आपके डाइजेशन के लिए। आप फर्स्ट स्टेज में ही आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो, यू शुड डाइजेस्ट इन द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ। मेजर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द माउथ, देन इन द स्टमक, बाकी जो डाइजेशन हो रहा है आई थिंक इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, important definitely, but they are not getting that importantly digested, because water and all that little bit electrolytes water jo hai wo pull up hote hain aapke intestine se. Stomach mein digestion is very important, so pan jo hai lambe time tak aapke stomach ka acid bilkul band karta hai. Second thing is, jab aap pan le rahe ho aur kuch supplements le rahe ho, calcium le liya, vitamins le liya, some neuro stimulators, uska bhi impact nahi hota hai, because pan is not allowing them to get easily digested. So, ये डबल एज सोड है, एक तो आप एसिडिटी अपने बॉडी में आपने कम कर दिया है, एंड उसके ऊपर आप मेडिसिन ले रहे हो, एंड दैट इज नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड। सो ऑलरेडी एसिडिटी है आपको ऊपर, और मेडिसिन ले रहे हो और एसिडिटी क्रिएट कर रहे हो, और वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, दैट इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है कहां गलत हो रहे हैं आप लोग, वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। विटामिन्स एक्चुअली लंबे टाइम तक पैन लो तो उस पर डाइजेस्ट नहीं होते, उसके वजह से ही आपके बैक्टीरिया जो होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया, वी आर ऑल हैविंग लॉट ऑफ बैक्टीरिया राइट फ्रॉम अ माउथ टू द इनर रीजन, सम बैक्टीरिया से नेसेसरी, उसको कहते हैं कि कॉमेंसल बैक्टीरिया, ये यूज करने की वजह से पैन, एंटी एसिडिटी मेडिसिन, आपके पेट के बैक्टीरियाज भी कम हो रहे हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रबलसम।
फ्यूचर में देर आर लॉट ऑफ पीपल हुआ थिंकिंग दैट डायबिटीज शुड बी रिड्यूस्ड, डायबिटीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग योर गट फ्लोरा, यानी कि आपके पेट के जो बैक्टीरिया है ना उनको बढ़ाकर आपके डायबिटीज कम करने की फ्यूचर में कंसेप्ट है. तो दैट इज द इंपॉर्टेंस. और इस पर बहुत ज्यादा लोग सोच रहे हैं गट माइक्रोबायोटा बोलते हैं उसको बढ़ा के डायबिटीज को कंट्रोल, बिकॉज व्हेन योर फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, इंटरकॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मल्टीपल इन्वॉल्व्ड है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो उसका एक कंडीशन है दैट इज नोन एज जब आप पैन लेते हैं तो मैल ऑब्जॉर्प्शन होता है, एक कंडीशन है मेडिकली इट इज डॉक्यूमेंटेड एज अ कंडीशन नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइनल ओवरग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया SIOB. SIOB मतलब रेगुलरली पैन लेने की वजह से, रेगुलरली पैन लेने की वजह से आपके बॉडी में ज्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है. ओके, देयर आर मोर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन योर स्टमक. और ये बैक्टीरिया जो ग्रो हो रही है आपकी, ये भी आपको तकलीफ कर रही है बिकॉज वो आपकी अब्सॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल नहीं है. ओके, सो आई थिंक ये कॉन्स्टिपेशन की जनरली आई हैव टोल्ड क्या कारण है, आपके शरीर में क्यों कमजोरी हो रही है एज के साथ, और कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. पॉइंट है कि कॉन्स्टिपेशन तो बोल दिया सर आपने, लेकिन इसको ट्रीट कैसे करें, कैसे इसको ट्रीट करें. पहले तो अपना कंडीशन समझे. फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड योर कंडीशन. यू आर नॉट कॉन्स्टिपेटेड इफ यू आर हैविंग अ बाउल मूवमेंट्स वन टू थ्री डेज आल्सो, इट्स फाइन. टेक्निकली देयर आर सम रीजंस फॉर यू टू गेट ट्रांसफर्ड. आई टोल्ड आप लोग मेडिसिन पे हो, खास करके पेन किलर्स पे हो, डायबिटिक मेडिसिन, बीपी मेडिसिन, एंटासिड्स, लेस मोबिलिटी, problem with dentures, problem with sleep, everything. So this will all contribute. And when you are in stress, your GI tract very gets easily disturbed. Okay? Constipation का treatment दो तरीके से कर सकते हैं. One is non-drug, one is drug-based. Okay? So drug-based में तो I think I will not talk about it. That's a different category altogether. What are the drugs you use, why you use, long time में क्या benefits है, advantages क्या है. I'll just tell you basically, आप लोग जब भी आते हो, constipated रहते हो, तो we give you that powder. पाउडर सबको पता है ना, क्या तो दैट पाउडर क्या है, दैट पाउडर इज नथिंग बट इट्स स्टूल, स्टूल हाँ, स्टूल को थोड़ा बल्की कर देता है बिकॉज आपके बॉडी में ओनली दिस लेस ऑफ वाटर है, तो देयर इज नो मोबिलिटी. तो उसकी वजह से स्टूल जो देते हैं आपको वो खाएंगे तो पेट में वो बल्की हो जाएगा, इट विल पुश डाउन बाय इफेक्ट, पुश डाउन द स्टूल एंड इट कम आउट. बाकी को टैबलेट देते हैं जिसकी वजह से यू गेट. सो These are the non-drug wise. इसमें भी side effects आए लंबे time तक, long time taking this thing is also very not good. अब पूछेंगे थोड़े लोग कि क्या safe है सर, अगर मैं क्या लूँ तो भी क्या लूँ? What should I take for constipation? अभी problem तो है, I know that. How do I relieve it? Should I take? See, लंबे time तक मैंने जो कहा powder, husband, they are pretty safe. They are pretty safe. You can take them long time तक भी ले सकते हैं उसको. बाकी जो tablet form में है वो long time तक नहीं ले सकते हैं. सिर्फ सिर्फ भी लॉन्ग टाइम पे नहीं ले सकते हैं, वो भी ठीक नहीं है. सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए एक्चुअली डाइट मॉडिफिकेशन इज द ओनली थिंग. अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं अननेसेसरी मल्टीविटामिन्स ले रहा हूं, प्लीज फॉर गॉड सेक अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आई ऑलवेज टोल्ड इट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव अ मार्जिनल बेनिफिट, बट लॉन्ग टाइम है ना, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम वो सब देखो. तो If it is not a problem, आप एंटासिड को भी लिबरेट कम डोज में लो, मॉडरेशन कहते हैं, अलाव एसिड इन योर बॉडी, उसकी जरूरत है तभी तो बॉडी में बना है वो, इट इज नीडेड फॉर यू. अलाव एसिड इन योर बॉडी, टेक योर फूड एट द राइट टाइम, डोंट स्लीप आफ्टर फूड. सो दिस आर नॉट जनरल थिंग्स डॉक्टर विल टॉक. जस्ट फिनिश ऑफ द लेक्चर विद वन थिंग, वॉट आर द थिंग्स यू कैन यूज फॉर डाइट. प्लेंटी वॉटर, अराउंड 2 liters to 3 liters minimum तो लेना ही आपको. थोड़े conditions होते हैं, some patients have kidney problem, heart problem, तो उनको fluid intake भी कम करते हैं, वो भी constipation का reason होता है. Water, high fiber diet, think on time, sleep on time, all general thing. And what are the fruits which are necessary for you to have a good motion? One is apple. Apple is a good thing. Reason बताऊंगा. Then fruits में fig बोल के fruits है, fig F-I-G. Fig is good. Pears भी वैसे fig जैसे लगते हैं, very good. इन सब में एक chemical होता है, उसका नाम है sorbitol. तो sorbitol is a natural laxative, known to human being, nature में ही है वो. So if you take this, it gives normal sorbitol. Plus, I think I have told पहले भी, I am a big fan of prunes. I have used it also. Prunes मैंने बताया, they are the best known laxatives known to human being. Best known.
there is no doubt about it. Thoda solid form mein aata hai, you can take it, you can use it, it can be used for a long term without much of a problem. Bahut kam jagah milta hai, but you get in good shop rooms, okay? Apart from that, thode se